Hello students, in the last video we have studied about the multiplication property of Fourier transform, Rayleigh energy theorem and Fourier transform of periodic signals with some examples. Now in this video we will study F to omega conversion. Clear? Now agar aapko yaad hoga to hum logo ne abhi tak jitne bhi Fourier transform study kiye hain wo hum logo ne F domain mein स्टडी किए हैं जितने भी XT के फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किए हैं सबको हमने F के टर्म्स में लिखा है लेकिन एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चंस ओमेगा के फॉर्म में भी होते हैं जो आपके ऑप्शंस होंगे वो मे बी ओमेगा के फॉर्म में हो या कहीं और किसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपको ओमेगा के फॉर्म में आंसर चाहिए हो तो आप क्या करेंगे तो यहां पर हम लोग अब स्टडी करेंगे F to omega conversion. तो यहां पर आप ध्यान से देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप बड़े इजीली F to omega conversion परफॉर्म कर लेंगे तो जो आपकी पहली ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला था आपका अगर आपको याद हो XT का फार्मूला तो हमने वहां लिखा था F के डोमेन में माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट XF e की पावर प्लस j 2 पाई ft df सेम फार्मूला अगर आप ओमेगा डोमेन में लिखेंगे तो ये होता है 1 by 2 पाई माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x ओमेगा e की पावर j ओमेगा t d ओमेगा क्लियर है पॉइंट मतलब ओमेगा डोमेन में जब आप लिखेंगे इस फार्मूले को तो इंटीग्रेशन के बाहर आपका 1 by 2 पाई आ जाएगा ठीक है नाउ सेकेंड जो चेंज है वो है रेले एनर्जी थ्योरम में आपने जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट मॉड ऑफ एक्सटी स्क्वायर डीटी दिस इज एनर्जी ऑफ एक्सटी तो इसे हम लिख सकते थे 1 बाय 2 पाई माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा ठीक है जबकि आपने एफ के फॉर्म में क्या लिखा था वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूं रेफरेंस के लिए माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट मॉड ऑफ एक्सएफ स्क्वायर डीएफ तो आप देख सकते हैं इन दोनों ही कन्वर्जन से जो स्टार्ट के थे यहां पर जब भी डीएफ आएगा और डीएफ को जब भी आप डी ओमेगा करेंगे तो बाहर आपका 1 बाय 2 पाई आना फिक्स है तो ये आप किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है नाउ अगर मैं थर्ड ट्रिक देखूं थर्ड कन्वर्जन देखूं तो ये होता है जहां जहां आपको आंसर में डेल्टा एफ मिला है वहां वहां आप लिख सकते हैं 2 पाई डेल्टा ओमेगा मींस जैसे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या आया था डेल्टा एफ तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा के फॉर्म में 2 पाई डेल्टा ओमेगा नाउ नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट ट्रिक ड्युअलिटी प्रॉपर्टी ड्युअलिटी प्रॉपर्टी आपको याद होगी हमने एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएफ लिखा था फिर इस कैपिटल एक्सएफ को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था तो एक्स टी बन गया था ये और एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था इस स्मॉल एक्स टी वाले पोर्शन को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया था तो स्मॉल एक्स माइनस एफ ये हमारी थी ड्युअलिटी प्रॉपर्टी इस पे मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं आप रिफर कर सकते हैं तो ये आपकी कैसे चेंज होती है देखिए अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है अब xf नहीं लेंगे हम अब हम x ओमेगा लेंगे तो कैपिटल xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका यहां पर भी x माइनस ओमेगा होता है जैसे वहां माइनस f हुआ था लेकिन सामने लगता है 2 पाई तो ये आपको माइंड में रखना होगा ठीक है ना तो ड्युअलिटी प्रॉपर्टी और जो आपकी इंपल्स के फॉर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो दोनों ही के केस में देखिए 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है क्लियर अच्छे से नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ट्रिक की अगर बात करूं तो वो बहुत ही सिंपल है जो आप स्टार्टिंग से जानते हैं कि 2 पाई एफ क्या होता है ओमेगा तो जहां जहां नॉर्मली आपको 2 पाई एफ दिखे वहां वहां आप डायरेक्टली ओमेगा लिख सकते हैं मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी यहां पर तो देखिए आप जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीडियो में यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था तो यूटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 1 बाई 2 डेल्टा एफ प्लस 1 अपॉन जे 2 पाई एफ
हमने ut को even और odd part में पहले represent किया था, उसके बाद trick के through हमने ut का Fourier transform calculate किया था, ये आप refer कर सकते हैं। अब अगर मैं same Fourier transform को omega के form में लिखूं, तो मैंने क्या बताया आपको, जहां जहां आपको delta f दिखाई दे वहां वहां आप लिखिए 2 pi delta omega, तो 2 pi delta omega आप जैसे ही लिखेंगे तो आपका 2 और 2 क्या हो जाएगा, cancel। इसके बाद यहां पर देखिए 2 pi f दिख रहा है, तो सिंपली इसे लिख दीजिए ओमेगा, तो यहां पर जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका वो हो जाएगा पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा, ठीक है। अगर आप इन ट्रिक से फैमिलियर रहेंगे, सिर्फ इन 5 ट्रिक से, तो आप किसी भी f को ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आपको यहां पर वापस से डिस्कस करने वाला हूं ओमेगा के फॉर्म में, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने रेक्ट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया हुआ है, रेक्ट फंक्शन था हमारा a रेक्ट t बाय टाउ, इसका हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था, सिंक के फॉर्म में हमारा आंसर आया था अगर आपको याद हो तो। तो मैं यहां पर वापस से लिख देता हूं, तो a रेक्ट t बाय टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों का आया था a tau sinc f tau, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इसे अगर मैं xf लेते हुए x ओमेगा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो आपको पता है sinc को हम क्या लिख सकते हैं, sin pi f tau upon pi f tau, ये हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है sinc t क्या होता है, sin pi t upon pi t, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, यहां पर हमें पता है कि हमें ओमेगा के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, देखिए a tau sin, यहां पर देखिए पाई f है, तो पाई f को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाय 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा tau बाय 2, नीचे भी आपका पाई f है, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा tau बाय 2, तो ये हम लोगों ने पाई f को ओमेगा tau बाय 2 में लिख लिया। और अब देखिए कोई f का टर्म नहीं दिख रहा, सारे टर्म्स किसके हैं, आपके ओमेगा के हैं। तो यहां पर अब अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊं, तो आप देखेंगे ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, आपको कुछ आइडिया है इसका, अगर नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, कि जिस तरीके से साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स या साइन पाई टी अपॉन पाई टी क्या था, सिंक टी या सिंक एक्स था ना, वैसे ही sin x upon x, sin theta upon theta या sin t upon t, इसे हम कहते हैं sampling function। तो यहां पर मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूं इसका formula और इसका notation, sampling of x, ये होता है हमारा sin x upon x, तो यहां पर आपका आंसर होगा a tau sampling of omega tau upon 2, clear है अच्छे से, तो यहां पर हमारा ये calculate हो गया x omega, क्लियर। तो x ओमेगा जो आपने वहां पे कैलकुलेट किया था f के डोमेन में, वो आया था a tau sinc f tau, और यहां पर आ रहा है a tau sampling ओमेगा tau by 2, कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपको इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी करने पड़ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए यहां पर जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रायंगुलर पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ओमेगा के फॉर्म में, तो ट्रायंगुलर पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने f के फॉर्म में कैलकुलेट किया हुआ है, हम लोगों को पता है ट्रायंगुलर पल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है f के फॉर्म में वो आपका आया था sinc स्क्वायर, तो मैं कंप्लीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यहां लिख देता हूं at sinc स्क्वायर ft, ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म आया था, ठीक है ना, f के फॉर्म में। अब अगर सेम फूरियर ट्रांसफॉर्म को मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, देखिए sinc ft का होल स्क्वायर, ठीक है ना, sinc स्क्वायर ft मतलब sinc ft का होल स्क्वायर, तो sinc ft को आप क्या लिख सकते हैं, sin pi ft upon pi ft, तो यहां पर साइन स्क्वायर हो जाएगा और पाई एफ टी का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर फिर से पाई एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा बाय 2,
तो यहां पर अगर मैं फिर से अब x ओमेगा लिखूं तो x ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, ए टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा टी बाय टू का स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से, आप डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और न्यूमरेटर में भी, दोनों जगह आपका स्क्वायर है। तो जो आपका x ओमेगा है, अब देखिए यहां पर फिर से साइन टी अपॉन टी का होल स्क्वायर, मतलब ए टी सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी बाय टू। तो आप फिर से देखेंगे अगर आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आया है। एफ के फॉर्म में जब आपने लिखा था तो सिंक स्क्वायर लिखा था, ओमेगा के फॉर्म में जब आपने लिखा तो आपने सैम्पलिंग स्क्वायर लिखा। तो इस तरीके से ये एफ टू ओमेगा या ओमेगा टू एफ कन्वर्जन आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके लिए वीडियो, भले ही मैंने बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, लेकिन ये एक्चुअल में फूरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप एफ टू ओमेगा या ओमेगा टू एफ कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर दोनों के लिए सेपरेटली स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम किसी एक को स्टडी करें और दूसरे में कन्वर्ट कर पाए, ये सबसे बेटर मेथड होता है स्टडी करने का। तो अगर इस कन्वर्जन में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। बट आप एक काम जरूर करिएगा कि बहुत सारे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में एफ के फॉर्म में, सबको आप ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।